हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ टेक्नो हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप अच्छे हेल्थ में होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हमने देख लिया है आपके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस ऑफ रोटरी आइलैंड क्या होते हैं, ठीक है। जब उनको हम लोग समझ, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे देखने के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है। जब आप वो वीडियो देख लें तो मैं ही आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो पे आएँ, क्योंकि ये आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट है। हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू रोटरी आइलैंड का के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिए टेक्नो हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस के साथ फॉर अ बेटर प्रिपरेशन। थैंक यू। तो आइए दोस्तों, हम लोग एक कन्वेंशनल न्यूमेरिकल देखते हैं रिलेटेड टू आपका रोटरी आइलैंड, ठीक है। ताकि आपको जितने भी आपने डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस, जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं आपके आपने रोटरी आइलैंड के, वो सब आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा है द फ्लो इन एन अर्बन एरिया एट राइट एंगल इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजर रोड्स इन द डिज़ाइन ईयर इज गिवन बिलो, ठीक है। आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है ट्रैफिक का, ठीक है। आपको क्या करना है, डिज़ाइन द रोटरी इंटरसेक्शन एंड चेक फॉर इट्स कैपेसिटी, ठीक है। आपको इसकी बेसिकली कैपेसिटी निकालनी है इसके डिज़ाइन के थ्रू, मेकिंग सूटेबल assumptions एज पर IRC। द अप्रोच रोड width इज आपका 15 मीटर आपको दिया हुआ है, तो आपको पता है कि अप्रोच रोड width अगर आपका 15 मीटर है तो आपको मैंने टेबल बनवाया था E1 और आपका अप्रोच रोड width के हिसाब से, तो वहाँ से आप यहाँ पे E1 आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको यहाँ पे उसने स्वतंत्रता दी है कि आप assumptions ले सकते हैं आपके IRC recommendations के हिसाब से, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, इसकी नंबरिंग हम देखिए, क्योंकि नॉर्थ साउथ में आपको दिया हुआ है तो नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शंस आपके अपने आप इसमें फिक्स हो गए हैं, ठीक है, अपने आप फिक्स हो गए। ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ठीक है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स के लिए जो डेटा निकालने होते हैं हम लोग पहले वो यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ये आपका व्हीकल पर आवर के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए पहले नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ की बात करते हैं तो वी एन, अगर आप नॉर्थ से लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, ई की तरफ, तो वी एन ई, और वी एन ई की वैल्यू कितनी है, वी एन ई की वैल्यू है आपकी 415, ठीक है। देखिएगा इसको भी लिखना समझना आपको ज़रूरी है, वी एन ई, ठीक है। अगर आप नॉर्थ से स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे साउथ में, तो वी एन एस हम लोग लिख सकते हैं 650, ठीक है। उसके बाद अगर आप राइट टर्न ले लेंगे तो वी ये एन ये डब्ल्यू हो जाएगा और इसको हम लोग 300 कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, ईस्ट पे आते हैं, तो ईस्ट से अगर आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप साउथ की तरफ पहुंचेंगे, वी ई एस, तो वी ई एस है आपका 300, ठीक है। स्ट्रेट जाएंगे तो वी आप सीधा वेस्ट में जाएंगे और इसकी वैल्यू है 550। फिर वी अगर आप यहां से राइट टर्न ले लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे नॉर्थ में, तो ई एन, आई होप ये सबको समझ में आ रहा है कि मैं किस तरीके से इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे आते हैं साउथ वाले पे, तो साउथ से अगर आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप वेस्ट में पहुँचेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 350। वी अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो साउथ नॉर्थ में चले जाएंगे और उसकी वैल्यू है 400, ठीक है। उसके बाद वी आपका साउथ से अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो ईस्ट में पहुंच जाएंगे,
और इसकी वैल्यू है 225, ठीक। इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब हमारा बच रहा है वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट से अगर हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे तो पहुँचेंगे नॉर्थ में। वी डब्ल्यू एन इज इक्वल टू 400, ठीक है। वेस्ट से अगर स्ट्रेट चले जाएंगे तो पहुँच जाएंगे ईस्ट में, वी डब्ल्यू ई, और ये है 500। वी आपका अगर राइट टर्न लेंगे यहाँ से तो पहुँच जाएंगे साउथ में, तो ये है आपका डब्ल्यू एस, ठीक है। तो ये है आपका 300। क्लियर है सबको मामला, सबको ये चीज़ समझ में आ गई कि आप भी एक बार चेक करें। मैं एक सेकंड रुकता हूँ आपके लिए, आप एक बार इस चीज़ को समझें कि मैंने इसको किस तरीके से लिखा है, ठीक है। और खुद से लिखने की कोशिश करें, बिना एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार ये खुद से लिखने की कोशिश करें इस चीज़ को, ठीक है। तभी आपको अपने से समझ में आएगी कि मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। आपको टेबल से उतार के आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। डायरेक्शंस आपको पता होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रोपोर्शनिंग रेशियो हमें निकालना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे एन ई से, नॉर्थ ईस्ट वाले सेक्शन से, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वाले लेग से शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, आपको मैंने पहले ही बता दिया है ए बी सी डी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा और आप भी लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है एक तो सीधा ऐसे चला जाएगा, ठीक है, वी एन ई। बी कॉन्स्टेंट बी की बात करें, ठीक है, तो ये नॉर्थ से निकल के आपका बी किस तरीके से डिफाइन होता था, नॉर्थ से निकल के एक साउथ में जा सकता है और एक नॉर्थ से निकल के वेस्ट में जा सकता है। तो ये हो जाएगा वी आपका एन एस प्लस वी एन डब्ल्यू, ठीक है। सी का देखिए, सी का हम लोगों ने किस तरीके से डिफाइन किया था कि जो सी है, सी जो है आपका एक साउथ से आपका घूम के ईस्ट, मतलब ये इधर, ठीक, और एक और कौन सा है आपका डब्ल्यू से ई की तरफ, ठीक, प्लस डब्ल्यू से ई की तरफ, ठीक। और डी आपको पता है डब्ल्यू से इधर घूम के एस में घुस जाएगा, वी डब्ल्यू एस। क्लियर है सबको? चलिए इन सब की वैल्यूज मैं यहीं पे लिख देता हूँ। वी एन ई की वैल्यू कितनी है 415, वी एन एस की वैल्यू कितनी है 650, प्लस और एन डब्ल्यू की 300, वी एस ई की वैल्यू कितनी है 225, वी डब्ल्यू ई की वैल्यू कितनी है 500, ठीक है। उसके बाद वी डब्ल्यू एस की वैल्यू कितनी है 300, ठीक। सबको समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसकी पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पी का फॉर्मूला सबको बता दिया है मैंने वीविंग रेशियो का, तो किस तरीके से निकलता है, वो आपका निकलता है बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। दैट मीन्स आपका 650 प्लस 300 प्लस 225 प्लस 500 अपॉन टोटल 415 प्लस 650 प्लस 300 प्लस 225 प्लस 500 प्लस 300, ठीक। क्लियर है? इसको कैलकुलेट करके बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.70, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, पी एन ई इज इक्वल टू 0.,  क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम कौन इसका, इसी का तो मैक्सिमम वैल्यू हमें चेक करना होता है, ठीक है।
सबको समझ में आया ये किस तरीके से लिखा गया है? ठीक है, वीविंग रेशियो वाले कॉन्सेप्ट्स में जिस तरीके से मैंने आपको बताया था उसी सेम कॉन्सेप्ट से मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है और हमने फिर पी क्यू कैलकुलेट किया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या? उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे ई एस। ठीक, देखिए तो हमने एक लेग की निकाल ली है वीविंग रेशियो, अब हम लोग अपने अगले लेग पे मूव करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने देख लिया था आपका एन ई पे, अब हम लोग ई एस देखते हैं। ठीक है, ए बी सी और डी सिमिलर तरीके से आप भी लिखने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वी ई एस बी हो जाएगा आपका V आपका E W प्लस V E N, जो C है V आपका W S प्लस V आपका N S, और जो D है वो होगा V N W। ठीक है, ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको किस तरीके से लिखा गया है ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इन सब के वैल्यूज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। V ES है आपका 300, V EW और EN 550 और 250। WS 300, और एन एस 650, और जो डी है आपका है वी एन डब्ल्यू के बराबर, तो वी एन डब्ल्यू आप देखिए ये है 300। अब तो वैल्यूज पुट करने हैं, फॉर्मूला दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं यहाँ से पी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.745 के बराबर। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, पी ई एस जो आई है वो आई है 0.745। ठीक है, क्लियर है सबको ई एस वाला लेग के लिए किस तरीके से हमने वीविंग रेशियो लिखा है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अगले लेग की तरफ, हम लोग लेते हैं अब वी आपका एस डब्ल्यू का पी निकालते हैं हम लोग, उसी तरीके से ए बी सी डी का भी हम लोग निकालेंगे। तो ये होगा आपका वी एस डब्ल्यू वी एस एन प्लस वी एस ई प्लस वी ई डब्ल्यू प्लस वी एन डब्ल्यू प्लस वी आपका ई एन। दिस इज 350, एस एन और एस ई 400 प्लस 225, ई डब्ल्यू और एन डब्ल्यू, ई डब्ल्यू है आपका 550 और जो एन डब्ल्यू है 300। ई एन कितना है 250। वैल्यूज मिल गए हैं प्रोपोर्शनिंग
या वीविंग रेशियो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा कुछ 0.71 के आसपास। इसको भी यहाँ लिखेंगे, पी आपका एस डब्ल्यू 0.71। ठीक है, क्लियर है सबको? उसी तरीके से पढ़ेंगे हम लोग अपने अगले लेग पे। W और आपका N, A B C और D, V ये तो W N as it is, ठीक है, ये V आपका W E plus V डब्ल्यू एस, सी हो जाएगा आपका वी एस एन प्लस वी ई एन, डी हो जाएगा आपका वी एस ई। ठीक है, वैल्यू सट के फटाफट लिखिए। डब्ल्यू एन है आपका 400, डब्ल्यू ई 500-300, एस एन है आपका 400 और ई एन है 250 और एस ई है 225। ठीक है, फाइव हंड्रेड प्लस 300 प्लस 400 प्लस 250, 400 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 250 प्लस 225। ठीक है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 0.69। इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, पी डब्ल्यू एन जो निकल के आया है वो आया है 0.69। क्लियर है सबको, है ना? चलिए अब आप एक चीज़ देखें यहाँ से, अब आप एक चीज़ देखें यहाँ से कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वीविंग रेशियो की वो कौन सी है। आई है आपकी पी ई एस। तो इतना जो पूरा हमने इतना समीकरण बैठाया है वो सिर्फ इस मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए। जब आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू निकल गई है तो आप सी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो C की वैल्यू हम यहाँ से लिखते हैं, ये क्या होता है 280 इंटू डब्ल्यू, ठीक है, 1 प्लस E बाई डब्ल्यू इंटू 1 माइनस P बाई 3, 1 प्लस W बाई L, यही होते हैं ना। अब इसमें क्या क्या हमें चाहिए, इसमें हमें सबसे पहले चाहिए E, ठीक है, तो E होता है आपका E1 प्लस E2 बाई 2। तो E1 आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये 15 है तो E1 की वैल्यू कितनी होगी 10। टेबल आपको याद है, जो अप्रोच रोड विड्थ दिया रहता है तो आपको एंट्री विड्थ जो होती है रेटरी की वो E1 होती है और नॉन वीविंग विड्थ होती है वो होती है आपकी E2, और यदि आपका E2 नहीं दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग E1 के बराबर मानते हैं, तो हमारा नहीं दिया हुआ है तो ये 10 है तो आपका E2 भी 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बाई 2 और इसको हम लोग यहाँ से 10 रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें जो सब्स्टिट्यूट करनी है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये आपका 10 है। ठीक है, उसके बाद देखिए E हमारा निकल गया है तो हम लोग अब निकालेंगे
W, W होता है E1 प्लस E2 बाई 2 प्लस 3.5, ये आपका 10 आ चुका है, प्लस 3.5 ये आ जाएगा आपका 13.5, तो W मैं यहाँ पे लिख दूँ सीधा 13.5। क्लियर है सभी को, है ना? W यहाँ से आपका आ गया। चलिए चलिए, और आपको पता है L के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये L आपको क्या, L के लिए आप क्या बोल सकते हैं, इट इज़ 4W, ठीक है? तो L को अगर आप 4W लिखते हैं तो यहाँ पे W बाई L अगर हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/4, ठीक। चलिए अब कुछ नहीं करना है, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। 280 इंटू 13.5, 1 प्लस e की जो वैल्यू आई थी हमारी 10 बटा 13.5, 1 माइनस p की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 0.745 बाय 3, 1 प्लस आपका W आपका है, तो इसको तो मैं डायरेक्ट 1/4 लिख देता हूँ यहाँ से। इसको कैलकुलेट कीजिए और बताइए कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है? कितनी आ रही है? अच्छा मैं रुक जाता हूँ, एक बार कैलकुलेट कर लीजिए इसको। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3956 के आसपास, तो हम लोग उसको 3957 व्हीकल्स पर आवर हम लोग रिपोर्ट करेंगे। लेकिन लेकिन IRC चेक के मुताबिक, IRC चेक के मुताबिक ये आपका जो वैल्यू है, दिस इज मोर देन कितना, दिस इज मोर देन 3000 व्हीकल्स पर आवर, ये आपका 3000 व्हीकल पर आवर से ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे कि हमें इसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। वी नीड टू रीडिज़ाइन, ठीक है? क्लियर है सबको? आई होप सबको समझ में आया होगा। देखिए कन्फ्यूजन होती है थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे, ठीक है? ABCD लिखने में कन्फ्यूजन होती है बहुत लोगों को, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आराम से एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे, कुछ कुछ और भी क्वेश्चंस ले लेंगे वहाँ से भी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपका ABCD की वैल्यूज़ लिखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसा होता ना कि डायरेक्ट इन वैल्यूज़ आपको डायरेक्ट वीविंग रेशियो पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आपका इतना बड़ा आएगा, आप कन्वेंशनल समझ के छोड़ दें इस चीज़ को, आपका डायरेक्ट हो सकता है इस पर आपका ऑब्जेक्टिव आ जाए, तो फिर आप क्या कीजिएगा, ठीक है? कि आप वीविंग रेशियो निकालिए, तो आपको कंसेप्ट कम से कम आपको आना चाहिए कि आप किस तरीके से वीविंग रेशियो लिखते हैं, ठीक है? अगर आप इतना समझ जाते हैं तो आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है? आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, ठीक है? चलिए, आई होप सबको समझ में आया।